तो आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली हूँ मैं हूं नाजिया कमल खेलों की खबरों में मैं आपका साथ दूंगा मोहम्मद अनीस और मौसम की खबरें लिए मैं हूं अब्दुल कदीर खबरनामे में फिल वक्त आपको वापस ये चलते हैं की मेनडेस्काली सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। आर्मी चीफ जनरल सईद की खुसूसी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस शुरुआत को अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग नौ मई के हमलों में मुलवि तनासर के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने का फैसला साबर का पैमाना लबरेज हो गया तमाम वाक्यात से मुतलिक नाकाले तर्दीद शवाह इकट्ठे कर लिए गए मनसूबा साजों सहूलतकार उकसाने वालों और मुलविस मुलजमों को हर सूरत इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा शुरु का, का दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में जान का नजराना पेश करने वाले शहदा को शानदार खराज अकीदत फोरम को सिक्योरिटी इदारों का तशस खराब करने के लिए मुनम करने मुहिम के हवाले से तफी ब्रीफिंग आई एस पी आर मिसकंडक्ट के इल्जाम में सुप्रीम कोर्ट जजेस के खिलाफ रेफरेंस लाने का फैसला कौमी असम्बली ने रेफरेंस की तैयारी के लिए खसूसी कमेटी तश्कील देने की मंजूरी दे दी मोहसिन शाहनवाज खुर्शीद सलाहुद्दीन अयूबी और शहनाज बलोच अरकान होंगे तहरीक सुमरों ने पेश की इसलिए फौज को निशाने पर रखा जा रहा है कि पाकिस्तान को जोड़ने की आखिरी ताकत पाकिस्तान को मुतहद रखने की आखिरी ताकत वो फौज है और जब फौज कमजोर होगी तो पाकिस्तान टूटेगा और पाकिस्तान को जोड़ने वाली दूध खत्म हो जाएगी इमरान खान आज इस ड्यूटी पे काम कर रहा है पी जमातों का शहरा दस्तूर पर एहतजा जमीतुल इस्लाम मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी ए एन पी बीएनपी में दीगर जमातों के कारकुनों की शिरकत अब फैसला सिर्फ आवाम का होगा निजाम इंसाफ का दोहरा में आर कबूल नहीं मौजूदा बहरानों की वजह इंजीनियर्ड फैसले हैं पार्लियामेंट की तस्दील की इजाजत नहीं देंगे सरबरा पी डीएम मौलाना फलसुरहमान का खिताब को घर भेजा जाता है किसी वजीर आजम को फांसी लगाई जाती है किसी को जिला वतन किया जाता है किसी को एक इकामा रखने पर घर भेजा क्या एक भी आमिर को इन्होंने घर भेजा हमेशा आमिरों की खातिर नजरिया जरूरत को जिंदा किया देखे जुल्म, किसी को ता हयात जमानत किसी को ता हयात ना का एहतराम करते हैं लेकिन इमरान दारी खुबूल नहीं। मुल्क में चार बार इमरानदारी आमिराना अकदाम पर सुप्रीम कोर्ट ने ठप्पा लगाया कभी मार्शल लॉ की हिमायत और कभी जुडिशल मार्शल लॉ नजरिया जरूरत ने मुल्क को तबाही से दो चार कर दिया जस्टिस कार्नेलिस का हवाला देने वाले जस्टिस मुनीर के पैरोकार निकले चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नोन मरियम नवाज उन्होंने रियासत के खिलाफ हथियार उठाए और वो वक्त होता है कि पूरा रियासत को एक होके जवाब देना पड़ता है। खान साहब के साथ तो इजहार एक इस्लामा हाई कोर्ट से लेके आला तक तो होता रहा ना किसी ने जिना हाज के साथ इजारती दिखाई किसी ने जी एच के, के बजाय अदालत को मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन को कंडेम करना दहशत गर्दी का मजामत करना साजिश का मुकाबला करेंगे बेहतर होता है इमरान खान को देखकर खुशी का इजहार करने वाले जिना हाउस से भी इजार यकजहती करते पीटीआई सियासी जमात है तो जलाव घिराव पर माफी मांगे बसूरत दीगर किसी के कहने पर अस्किरत पसंद जमात से मुजाक्रत नहीं होंगे चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साल हर हाँ साल तरक्की का सफर 9 मई को तबाही का मंजर पेश कर रहा था इमरान न्याजी इधर उधर की मन घड़त बातें छोड़ें और अपनी करप्शन का हिसाब दें वजीर मोहम्मद शहबाज शरीफ ट्विटर पर मुस्लिम लीग नून के तरक्याती मंसूबों की पीटीआई के हाथों तबाही की तस्वीर शेयर कर दी अदलिया के फैसलों ऐसी हिमात नजर आ रही है वक्त आ गया है की पार्लियामेंट सुप्रीम जुडिशियल को मिस का रेफरेंस भिजवाए आर्टिकल तिरठ को रीराइट करके आयन की शक्ल बदल दी गई जिना हाउस पर हमले और शहदा की यादगारों की बेहरमती करने वालों को तहफ दिया जा रहा है खाजा अवाम इमरान खान की दहशत गर्दी और मुल्क दुश्मनी का हिस्सा बनने को तैयार नहीं शहदा की यादगारों की बेहरमती सरकारी इमारतों पर हमले मसाजिद स्कूलों मवेशी मंडियों और एम्बुलेंसेस जलाने वाले गिरफ्तार हो चुके इमरान खान अब किसे आवाज दे रहे हैं जो आग उन्होंने लगानी थी लगा ली दोबारा ऐसा नहीं होने देंगे अवाम दुश्मनों और दहशत गर्दों के मास्टर को मुस्तरद कर चुके हैं पार्लियामेंट का मुश्तर इजलास कौमी एहतमी बिल मंजूर पार्लियामेंट ने बड़े ज़र्फ का मुजाह किया है कभी किसी इदारे की हदूद में मुदाखलत नहीं की कानून साजी पार्लियम का आयन इख्तियार है जिसे कोई वापस नहीं ले सकता वजीर कानून आजीर कौमी असम्बली के सरकारी अमलाक और अस्करी तनसीबा पर हमलों की शदीद मसम्मत कर पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती की यादगारों की बेहरमती करने वालों को कटहरे में लाया जाए शरपसंद सख्त सजाएं देने का मुतालबाक फौज ऐसी भरपूर इजहारती मुल्क भर में रैलियों का इनका मुख्तिक वाले अफरा की शिरकत रियासती इदारों के खिलाफ इल्जाम तराशी और प्रॉपीगिंदे की शदी मुजम्मत मुल्क दुश्मन अनासर के अजायम मफाज पाकिस्तान के साथ मिलकर नाकाम बनाने का आज पाकिस्तान विफा की वहदत की आइनी हदूद की वजह है मुल्की तरक्की का राज जमहूरी अंदाज में आइन के मुताबिक चलना है इंसाफ का दोहरा मैं नहीं चल सकता जमहूरीत के लिए कुर्बानियां देने वाले हमारे हीरो सुप्रीम कोर्ट ने तमाम फरीकों को नोटिस जारी कर दिए अदालत मामला नहीं उलझेगी सिर्फ आयन ही नहीं हालात भी देखने हैं उम्मीद करते हैं होंगे और कोई हल निकल आएगा चीफ जस्टिस उमरता आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और मुतहदा अरब अमार के सदर शेख मोहम्मद बिन सैदान के दरमियान टेलीफोनिक रहा दिफाई तालुकात और अस्क्री तक तबादला दोनों रहनुमाओं का दो तरफा बढ़ाने पर इतफाक मकबूजा कश्मीर में गिरफ्तारियों और पकड़ थकड़ का सिलसिला तेज बदनाम में जमाना भारतीय एजेंसियों की छापामार कार्रवाइयां, बुनियादी इंसानी हुकूक की पाबालियांत कॉन्फ्रेंस का आलमी तंजीमों की खामोशी पर इजहार अफसोस बैन अलावा बरदरी से अपने वादे पूरे करने का मुतालबा तुर्की के सदारती और पार्लिमानी इंतबात में वोटों की गिनती मुकम्मल सदारत की दौड़ में कोई भी उम्मीदवार मतलूबा पचास फीसद वोट हासिल न कर सका रजब तैयब इर्दवान को उनचास अशारिया पाँच फीसद वोट मिले अपोजिशन जमातों के उम्मीदवार कमाल क्लेष ओलो पैंतालीस फीसद वोटों के साथ दूसरे नंबर पर अट्ठाईस मई को रन ऑफ इलेक्शन होगा अक्सरियत हासिल करने वाला उम्मीदवार सदर होगा सदर इर्दवान की जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी और इतिहादी जमातों ने पार्लियामेंट में वासे अक्सरियत हासिल कर ली जंगबंदी के बावजूद इसराइली फौज की बरबरीयत जारी सेहोनी फौजियों के नाबदस में कैंप पर फायरिंग एक फलस्ती शहीद काबिज फौज की जानव से आंसू गैस और गोलियों का बेदर इस्तेमाल एक हफ्ते में शोहदा की तादाद 34 हो गई और पाकिस्तान अंडर 19 क्रिकेट टीम का दौरा बांग्लादेश पांचवें मैच में, में अस्सी रन से कामयाबी कौमी अंडर 19 टीम ने वनडे सीरीज चार एक से जीत ली हेडलाइंस आपने जानी खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद साफ रहेगा। जुड़वा शहरों रावलपिंडी इस्लामाबाद से शायद होने वाला पहला मुकम्मल मकामी अखबार रोजना मेट्रो वॉच अलहमद्ला कामयाबी के पहले बारह सात नई जिद्दत के साथ सीनियर सहाफ़ी जाहिद फारूक मलिक की जेर इदारत और तजर्बेकार टीम के हमरा अब नई मंजिलों की तरफ गामसन आज ही अपने हॉकर से अपनी कापी बुक करवाएँ या ताज़ा तरीन खबरों के लिए विजिट करें डब्ल्यू 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 मेट्रो वॉच डॉट कॉम डॉट पी के बाद में सबसे पहले आपको बताएं आर्मी चीफ जनरल मुनीर की सदारत में खसूस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जी एच क्यू रावल पिंडी में हुई शुरखा ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में मादरे वतन का दिफा करते हुए जान का नजराना पेश करने वाले शहदा को शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया आई एस पी आर के मुताबिक फोरम में वाजे किया के तहत फौजी तनसीबत मकाम करने वालों के खिलाफ कोई राय नहीं बरती जाएगी शुरुआकों का तश्स खराब करने के लिए मुनपुर मुहिम के हवाले से भी आगाह किया गया फोरम को शोदा की तस्वीर और यादगारों की बेहरबती तारीखी इमारत और असक्री तनसीबा को नजर आतिश करने के वाकत पर भी ब्रीफ किया गया आर्मी चीफ जनरल सहर आसिम मुनीर ने इस सारे मामले में फॉर्मेशन की जानब से तहमुल और पुख्ता रद्द को सराहा कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने शरपसंदी के तमाम वाकत की शदीद मसम्मत करते हुए कहा कि फौजी तनसीबत सरकारी और सिविली नमलाक को जलाने के वाकत सियासी मकासद के लिए थे पाक फौज के तमाम रैंक इन फाइल में इस हवाले से शरीर गम गुस्सा पाया जाता है इस तरह की शरपसंदी पर मबनी वाकयात का होना बदकस्मती और नाकबले कबूल है इन तमाम वाकयात के हवाले से नाकबले तरतीब शवाद इकट्ठे कर लिए गए हैं मनसूबा साजों सहूलतकारों उकसाने वालों और मुलविस मुलमों के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएंगे और ट्रायल्स के बाद इन तमाम मुलजमों को करार वाकई सजा दी जाएगी कॉन्फ्रेंस में इस अजम का भी अदा किया गया कि शरपसंदी के वाकत में मुलविस तमाम अफराद के खिलाफ जारी पॉलिसी सबरतम के हवाले से अब पैमाना लबरेज हो चुका है को हर सूरत इंसाफ के लाया जाएगा कॉन्फ्रेंस में बलोचि दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई में बहादुरी की नई दास्तान रकम करने वाले फोर्सेस को भी पेश किया गया शुरुआत को मुल्क दाखिल और खारजी सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में अस्करी इदारों के खिलाफ दुश्मन अनासर के मजमूम प्रोबिगंड मुहिम को पाकिस्तान के आवाम की मदद से शिक्ष देने के आजम का भी अदा किया गया पाकिस्तान के आवाम की हर घड़ी में मुसल्हफवाज के खड़े हैं कॉन्फ्रेंस के शरकार ने मुतलका तो इदारों को सोशल मीडिया कवानी और जवाब पर अमल दराम करने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ अर्जा सराई करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए कॉन्फ्रेंस में मौजूदा सियासी और इसकाम के हल के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स के दरमियान कौमी दिफाक राय पैदा करने पर भी जोर दिया ताकि मुल्क में जमहूरी अमल मजबूत हो सके इकतदी और माशी सरगर्मियां बहाल हों और आवाम का एतम भी बढ़े कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में कौमी इतफाक राय पैदा करने के लिए की जाने वाली तमाम कोशिशों के लिए मुकम्मल ताउन का भी इजहार किया गया शिरका ने इस अज का भी अदा किया कि पाकिस्तान की मुसल्ला अफवाज अवाम की हिमात से पाकिस्तान के दुश्मनों के मजमूम अजायम को नाकाम बनाने के लिए पुरजम है पी डीएम जमातों का शाहरा दस्तूर पर एहतजाजमेदल इस्लाम मुस्लिम लिग नोन पीपल्स पार्टी ए एन, एन पी बीएनपी बेंगल के मैप और के की बड़ी ने की। सबरा पीडीएम मौलाना फजलान ने अपने खिताब में कहा कि अब फैसला सिर्फ आवाम का होगा निज़ाम का दोहरा मैारबूल नहीं मौजूदा बहरान की वजह इंजीनियर्ड फैसले हैं पार्लियामेंट की तस्दील की इजाज़त हरगिज़ नहीं देंगे रिपोर्ट कर रहे हैं अलीगुल मौलाना रहमान ने शरा दस्तूर पर पी डी एम रैली से खिताब करते हुए कहा कि इस्लाम ने इंसाफ का हुक्म दिया है उन्होंने कहा कि हम मदलिया के एहतराम पर यकीन रखते हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी को नुकसान पहुँचाने वाले हरगिज मुहब वतन नहीं हो सकते जाने जजनी अदालतीयत को मजरूल कर चुका है इसलिए आवाम की अदालत इस्लामाबाद में बराह रास्त पर बरा आजमा है और आवाम की अदालत ने फैसला दे दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और उसका एक मुख्तसर टोला वो पाकिस्तान की अदालत की तोहन कर रहा है हम पाकिस्तान की अदलिया के वक़ार को बहाल करना चाहते है सरबरा पी ने कहा कि अब फैसला पाकिस्तान के अवाम ने करना है उन्होंने कहा कि जानेबदार जज अपने इज्जत को मजरू कर रहे हैं उन्होंने कहा कि अदालतों के जानबदारा फैसले मंजूर नहीं आपने खिलाफ कानून कितनी कारकर्दगी की है और तुम आपस में बैठ कर सोचते हो कि वजीर आजम के खिलाफ हम नाअली का फैसला देंगे वजीर अजम ने हमेशा अदलिया का एहतराम किया है उसने और कानून की पासदारी की है उसके खिलाफ खुद आइन की खिलाफ वर्जी करने वाला जज सोच रहा है मैं बताना चाहता हूँ कि अगर तुमने हुकूमत पर इस तरह नाजायज हाथ डालने की कोशिश की तो हम आवाम के मंतब पार्लियामेंट कौमी असम्बली और उसके वजी अजम का करेंगे, फिर आपको परेशानी होगी मौलाना रहमान ने कहा कि सियासत करना सिर्फ सियासत दानों का काम है उन्होंने कहा कि आज इस तारीखी इज्तम ने बता दिया मुस्लिम लीग नोन की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने कहा की नज़रिया जरूरत कभी भी पाकिस्तान के अवाम और जमहूरियत के काम नहीं आया हमेशा आमिरों के लिए नजरिया जरूरत को जिंदा रखा गया आज फौज आईन और जमहूरियत के साथ खड़ी है इस्लामा शारूर आरोप पी डी एम के इमरान खान के इमलाक और हसास तनसीब पर हमले किए मरियम नवाज के खिताब की मजद तफी बता रहे हैं आगा मसूर खाल शाहरा दस्तूर पर पी डी एम के एहतजाजी धरने में आवाम के ठाटे मारते समंदर से खिताब करते हुए मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने कहा कि हम आयन और कानून को बनाने और इसका एहतराम करने वाले लोग हैं उनका कहना था की अदलिया का काम आयन की तशरी करना है माजी में नजरिया ज़रूरत ने जमहूत और मुल्क को नुकसान पहुँचाया किसी को ता जमानत किसी को ता हयात इस मुल्क को जब जब भी खराब किया गया वो यहाँ से जो नजरिया जरूरत उठता है उसने खराब किया पाकिस्तान को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर एक मुंत वजीर आजम को आपके मुंतर को घर भेजा जाता है और यहाँ से मोहर लगती है यहाँ से चार बार इस मुल्क पर शब खून मारा गया इस मुल्क के मुकदस आइन को लपेट कर रद्दी की टोकरी में फेंका गया क्या एक भी आमिर ऐसा है जिसको इस इमारत में किसी काले पहनने वाले ने घर भेजा बताओ आज जबकि हमारी फौज जमहूरियत आइन और कानून के साथ खड़ी है तो आज पाकिस्तान का पाँचवा मार्शल लॉ जुडिशल मार्शल लॉ भी यहाँ से लगा है मरियम नवाज ने कहा कि अदलिया की जिम्मेदारी गरीबों को इंसाफ फ्राहम करना और पार्लियमान को मजबूत बनाना है उन्होंने कहा कि मेरा सवाल है कि इस इमारत को ईमानदारी की बजाय इमरानदारी से दागदार करने की कोशिश क्यों की गई? ये जो इमारत सफेद संगे मरमर की इमारत जिसको आज आपने अपनी ईमानदारी से नहीं अपनी से दागदार करने की कोशिश की है हम उन जजेस की बात आज नहीं करेंगे जो आईन और कानून पर चलने वाले जज हैं आज अगर बात होगी तो इमरान खान की सहूलत करने वाले इमरानदारों की बात होगी जिस इमारत से इंसाफ होना था साइलों को मजबूरों को इंसाफ मिलना था वहां पर बैठकर कुछ सहूलत कार इंसाफ का कसल करने में मसरूफ है दिन रात मरियम नवाज ने नौ मई के दिल खराश वाक़ात का जिक्र करते हुए कहा कि इमरान खान के उकसाने पर शोहदा की यादगारों सरकारी इमलाक और कौमी तशस पर हमले की जो जसारत दुश्मन न कर सका उनको पी टी आई के दहशत गर्द जत्थों ने जला कर राग कर दिया उन्होंने कहा की माजी में भी पी टी वी समेत दीगर कौमी इमलाक पर हमले इमरान खान के पैरोकारों का वतीरा रहा है पाकिस्तान की पचहत्तर साल तारीख में जो नुकसान हमारा हमारा दुश्मन नहीं कर सका उस फितने ने करके दिखा दिया पाकिस्तान की कौम के दिल पर हमला हुआ जब सारी हमारी दफाई तनसीबत को आग लगा दी गई वो जो कोर कमांडर हाउस को जलाया वो कोर कमांडर हाउस बाद में था पहले कायदे मोहम्मद अली जना का घर था ये फौज हमारी है इसके सिपाही को इसके जवान को हम सलूट करते हैं लेकिन जो लोग इमरान के सहूलत उनको हम नहीं बख्शेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का कहना था कि फैसला हमेशा अक्सरियती माना जाता है अकलियती नहीं वो फैसला क्यों माना जाए जो बदनीयती पर मबनी हो आगा मसूद खालिद पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज इस्लामाबाद कौमीबी ने आयन और कानून ऐसी रोगरदानी करते हुए जजेस के खिलाफ रेफरेंस लाने का फैसला किया है रेफरेंस की तैयारी के लिए खसूस कमेटी तश्ल देने की मंजूरी दे दी गई है ऐवान ने सरकारी अमला और अस्करी तनसीबात पर हमलों की मजम्मत करते हुए जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी मुतालबा किया है रिपोर्ट कर रहे हैं मालिक उमर कौमी असम्बली काउंसिल को रेफरेंस भेजने के लिए खूब कमेटी तश्ल देने की तहरीक मुतफ़ा तौर पर मंजूर हो गई है कमेटी के अरकान के लिए मोहसिन शाह नवाज नानजा खुर्शीद अहमद जुनेजो सलाउद्दीन यूबी डॉक्टर शाजिया बलोच और सलाउद्दीन के नाम तजवीज़ किए गए हैं

उसके बाद पंजाब में मुंत हकूमत को ये 63 ए वाले बेंच ने घर भेज दिया जिनाबे वाला अदलिया के ये जो जत्थे हैं वो आइन की खिलाफवर्जी नहीं कर रहे बल्कि उन तमाम लोगों की पुष्पनाई कर रहे हैं जिन्होंने कोर कमांडर के घर पे हमला किया था मैं इसलिए कह रहा हूं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को रेफरेंस भेजे ये पार्लियामेंट रेफरेंस भेजे वक्त आ गया है पार्लियामेंट जो है, जो है, है, है। मुल में जो इंतजार और बदमनी पैदा हुई है इसकी पहले से प्लानिंग की थी। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी स्पीकर साहब तो मैंने सारे प्रेस कोर से कहा आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई तो सारे हस पड़े ये कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ है तो वो मजाक का सबब बनते हैं ने कहा के चंद जजेस के रवैये की वजह से सुप्रीम कोर्ट का किरदार मुतनाजा हो चुका है पार्लियामेंट को अपना किरदार अदा करना होगा अगर किसी वक्त जुडिशियल अमल को आइन से उसकी हदूद से बाहर कोई लेके जा रहा हो तो फिर अल्ला मिया के बाद तो कोई चीज नहीं रह गई जो उसको दुनिया में काबू में ला सके या दुरुस्त कर सके तो वो आइन की स्कीम में पार्लियामेंट्री ओवरसाइट का तरीका है जिसको ये पार्लियामेंट आज एक्सरसाइज कर रही है कि जब एक चीफ जस्टिस के जिनका काम है कि वो अपने इदारे को इमपार्शली चलाएं वो मुकम्मल तौर पे पार्शल हो चुके हैं मौलाना असद महमूद ने कहा कि अदालत इमरान खान को रिलीफ देने के लिए आइन और कानून को बालाए ताक रखते हुए फैसले दे रही है इमरान खान को दोबारा इकतेदार में लाने के लिए सहूलत कारी की जा रही है तमाम पार्टियों ने आपको कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इन तीन जजेस के खिलाफ पार्लियामेंट करारदाद पास कर चुकी है और ये तीन जजेस बाज नहीं आ रहे पार्लियामेंट के कानून साजी को भी रोक रहे है फैसले भी इमरान खान के हक में दे रहे हैं किसकी ख़्वाहिशात पर दे रहे हैं पूरा कौम इस बर्बाद कर रहा है आज बच्चे बच्चे को पता है कि जब बेंच बनता है तो वो खुद बता देते हैं कि इस बेंच का फैसला क्या आएगा ये आईन, ये कानून आपको इसके साथ आपने हल्फ उठाया है तरीके इंसाफ की जानब से मुल्क में इंतजार बर्पा करने और अदालती फैसलों के हवाले से इजहार ख्याल करते हुए अरकान कौमी असम्बली ने कहा की पी टी आई के मुठ्ठी भर बलवाइयों ने बाकायदा मनसूबा बंदी के तहत मुल्क में बदमनी की फिजा को पैदा किया फौजी तनसीबत यादगार शहदा और कोर कमांडर हाउस पर हमले समेत कई अहम इमारत और मकाम को नजर आतिश किया गया इस मामले का सख्ती से नोटिस लेते हुए मुलविस अफरा के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे इस हवाले ऐसी कौमी असम्बली में दो मुख्तलिफ करारदादे भी मुतफ़ा तौर पर मंजूर कर ली गयी इंजीनियर सागर हुसैन कुरेशी की जानब ऐसी पेश की गयी करारदाद में कहा गया है की एक सियासी जमात की जानब ऐसी मुल्क में इंतजार फैलाने की कोशिश की शदीद मजम्मत करते हैं ये एवं मुतालबा करता है की ऐसी साजी की जाए में ऐसे कौमी कमर की मुस्तबिल करारदाद में भी जलाव और बदमनी पैदा करने के मामले आरोप अफसोस और से का किया गया। करारदाद में सुप्रीम कोर्ट के जजेस के फैसले में जानबदारी की, की मौजूदगी की आरोप भी तशवीश का इजहार किया गया है कौमी असम्बली का इजलास मंगल की सुबह ग्यारह बजे होगा मलिक कुमार पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज इस्लामाबाद मजलिस शुरा के मुशतर इजलास में कौमी एहतसाब तरमी बिल दो हजार तेईस समेत दूसरे अहम बिलों की मंजूरी दी गई। वजी खारजा बिलावल भुटो ने कहा कि तहरीके इंसाफ को दहशत गर्द जमान के तौर पर डील करना होगा अदालत को इमरान का सहूलतकार बनने के बजाय कौमी नुकसान पर आरोप नोटिस देना चाहिए इजलास की तफसी बताएंगे नमूद पार्लियामेंट का मुश्तक स्पीकर राजा प्रवेद अशरफ की सदालत में हुआ एवान ने कौमी एहत त्ररमीमी बिल दो हजार तेईस की मंजूरी दे दी वजीर कानून आजम नजीर तारण ने मुश्तर इजलास में बिल पेश किया एवान में किशोर जहरा का इंसानी उजलात और आजा की पैबंदकारी का त्रमी बिल और खेसुमल खेलदास का कानूनी शहादत से मुतालिक फौजदारी कवानी में तरमीम का बिल भी मंजूर किया गया नियम तबी अमला की सहूलत का बिल दो हजार उन्नीस सरकारी और निजी अदारों में डे केयर सेंटर के क्याम का बिल दो हजार उन्नीस और मादरियत, के बिल भी एवान ने मंजूर किए बिल करत मरी ने पेश किए सैयद जावेद हुसैनैन के तहदी तरमी बिल दो हजार बाईस और खूसरी रिलीफ तरमी बिल दो हजार बाईस को भी मंजूर कर लिया गया वजीर कानून आजम नजीर तार ने कहा की बिल को अमराना अदवार की शामिल की ऐसी साफ करना था ताकि नैब के कानून को सियासी हरबे के तौर पर इस्तेमाल में ना लाया जा सके पार्लियमान ही वो अदारा है जिसका जरफ बड़ा है हमने आज तक उस इदारे के इख्तियार मुदाखलत नहीं की और वहाँ से रोज होती है कोई इदारा ये इख्तियार नहीं रखता इस बलावान का कानून साजी के इख्तियारोके उस पर कदगन लगाए या वो कहे कि ये कानून साजी नहीं होनी चाहिए बिलावल भुटो सदाई ने कहा के के साजिश का मुकाबला करना जानते हैं और इसका मुकाबला भी करेंगे उन्होंने कहा कि मौजूदा सियासी बहरान से निकलने के लिए हमसे जो कुछ हो सका हम करने के लिए तैयार है उन्होंने रियासत के खिलाफ हथियार उठाए थे फते उठाए लाठी उठाए बंदूक उठाए और वो वक्त होता है कि पूरा रियासत को एक होके जवाब देना पड़ता है जनाब स्पीकर। खान साहब के साथ तो इजारे एक जैती इस्लामाबाद हाईकोर्ट से लेके आला अदलिया तक तो होता रहा ना किसी ने जिना हाउस के साथ इजारे एक जैती दिखाया किसी ने जी एच क्यू के साथ इजारे एक जैती दिखाया होना तो यह चाहिए था कि नाइस टू यू सी यू के बजाय अदालत को मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन को कंडेम करना चाहिए था सेनेटर फ्रांस उद्दीकी ने कहा की पहले सियासी जमाते अख्तराफ के बावजूद कौमी मसाइल के हल और कौमी मफाद में कठी हो जाती थी लेकिन इमरान खान के अमल से साफ जाहिर है की इनका सियासत ऐसी कोई ताल्लुक नहीं है इनकी रगों और सोचों में किसी किस्म की जमहूरियत नहीं दूसरे अरकान ने खिताब करते हुए कहा की इदारे अपनी इज्जत और तौकी अपने अमल ऐसी करवाते हैं पार्लिमान की तोर और इसकी बारदस्ती आइन के मुताबिक है मजदूर शूल्ह का अजलास दस जुलाई शाम पाँच बजे तक मुलतवी कर दिया गया नमूद मुस्लिम पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज इस्लाम अपने ट्वीट में मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज शरीफ की तरक्याती मंसूबों की तस्वीर और नौ मई को पी टी आई की तरफ ऐसी फैलाई जाने वाली तबाही की तस्वीर शेयर करते हुए वजी ने कहा की साल साल तरक्की का सफर नौ मई को तबाही का मंजर पेश कर रहा था मोहम्मद शहबाज शरीफ ने रावल सिक्स रोड मेट्रो बस स्टेशन की पुरानी और नई तस्वीर शेयर की एक तस्वीर में मोहम्मद नवाज शरीफ को इस मंसूबे से मुतालिक ब्रीफिंग दी जा रही थी जबकि दूसरी तस्वीर में इसी मंसूबे को पीटीआई की तरफ से नजर आतिश किए जाने के बाद तबाही का मंजर दिखाया गया वजीर इतलात मरियम औरंगजेब कहती हैं आवाम इमरान खान की दहशत गर्दी और मुल्क दुश्मनी का हिस्सा बनने को तैयार नहीं इमरान खान किसे तैयार रहने को कह रहे हैं एक बयान में वजी ने कहा कि दहशत गर्द मुसल्ह जत्थे और गुंडे कानून के मुताबिक गिरफ्तार हैं शहदा की यादगारों की बेहरमती सरकारी इमारा पर हमलो मसाज स्कूल मवेशी मंडी और एम्बुलेंसेज को जलाने वाले कानून के कड़ेरे में आ चुके हैं इमरान खान ने जो आग लगाना थी लगा ली दोबारा आग नहीं लगाने देंगे सुप्रीम कोर्ट में पंजाब में चौदह मई को नजर के लिए इलेक्शन की दरख्वा चीफ जस्टिस अमृता बिंदल ने अदालत ने सिर्फ आयन नहीं मारूजी हालात भी देखने हैं इतिहाद और तहरीक इंसाफ मुखरत का सिलसिला जारी रखे उन्होंने कहा कि ऐसे हालात में हुए तो नतज मुंगे हफ्ते होने वाले वाकत अफसोसनाक थे चीफ जस्टिस ने कहा कि इंतबार जमहूरियत की बुनियाद हैं जमहूत इस वक्त फहाल होती है जब कानून की हुक्मरानी हो इदारों का एहतराम और लोगों के हकूक का तहफ़ होना चाहिए अटर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने कहा कि अदालत ने जब पहली बार के लिए कहा था अगर उस वक्त कुछ मजीद मोहलत मिल जाती तो काफ़ी मसाइल हल हो जाते गुजशत हफ्ते होने वाले वाकयात अफसोसनाक थे मामले की आइंदा समात तेईस मई को होगी इंसाफ का दोहरा मैं किसी सूरत कबूल नहीं हम आइन की बालादस्ती चाहते हैं इसके तहफ़ के लिए हमारी पुरमजद जारी रहेगी सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतियादी जलसे में शामिल पी डी एम जमात ने होकर कहा जमहूरी अंदाज में आइन के मुताबिक चलाना है रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान मनसुब खान मुल्क में अब सिर्फ आइन व कानून की बालादस्ती होगी पश्तूम खां मिल्ली आवामी पार्टी के चेयरमैन महमूद खान रचकई ने साफ साफ अल्फाज में बता दिया जिन जजों ने अयूब खान की मारशाला के खिलाफ फैसला दिया अपनी नौकरी छोड़ दी और गुमनामी के उसमें मुफात पा गए वो जजेज जिन्होंने पहले मार्शाला के खिलाफ उसका साथ नहीं दिया अपने बच्चों के पेट पे लात मारी घर चले गए इन इन जजों की ये पार्लियामेंट है रुकन कौम अख्तर जान मैंगल का कहना था की हमारे अकाबरीन को जेलों में रखा गया जमानते नहीं होती थी आज की हालात का जिम्मेदार कौन है हम सबको सोचना होगा शार दस्तूर भी है यहाँ पर शराह भी आ, भी है यहाँ पर अब सिर्फ एक कमी है वो है शार इंसाफ की कौमी वतन पार्टी के सरबरा आफ्ताब अहमद खान शेरपाओ का कहना था इंसाफ की फ्रहमी अदालतों की जिम्मेदारी है इमरान खान को सादे को अमीन करार देने वाला क्या खुद सादे को अमीन है हम चार तीन का फैसला हम मानते हैं तीन दो का फैसला नहीं मानते हम इस बात की मजम्मत करते हैं के कौमी असम्बली ने जो कवानी बनाए और वो कानून अभी बना भी नहीं था इन्होंने उसको कल आदम करार दिया पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद नैर हुसैन बुखारी ने कहा कि हम आइन और कानून की बाला के लिए इकट्ठे हुए हैं किसी को पार्लिमान के अख्तियार में मुदाखलत की इजाजत नहीं कानून साजी का अख्तियार आइन साजी का अख्तियारुमाइंदों को देता है पार्लियामान के मेम्बर को चाहिए कि वो उस तरमीम को मंसूख करें आवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा मिया अफ्तार हुसैन शाह का कहना था कि एक शख्स की खातिर पंजाब असम्बली तोड़ दी गई और उसे धांधली के जरिए मुल्क मुसलत किया गया तिरसठ ए को री रीज किया और री राइट किया को। उसने लिखा जो की गद्दारी है सुप्रीम कोर्ट तशरी कर सकती है लेकिन वो आन लिख नहीं सकता आनी आ काम पार्लियामेंट का काम है जलसे खिताब में मुख्रीन का कहना था की मुल्क की मौजूदा बुरानी सूरत हाल और महंगाई का जिम्मेदार सिर्फ एक शख्स है जिसे अपनी खुद गर्जी के सिवा किसी का ख्याल नहीं इमरान न्याजी एक मौसम को शख्स का नाम है जिसे अदम एतम के जरिए आईनी तरीके ऐसी हटाया गया इमरान खान और उसके सहूलतकार अब बेनिकाब हो चुके हैं इमरान मनसब खान पाकिस्तान टेली न्यूज इस्लामाबाद आयन कानून की सरबुलंदी के लिए हुकूमती में शामिल जमातों ने आज इस्लामाबाद में सियासी ताकत का मुजाहरा किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून और जमेत इस्लाम के काफिले सुबह से ही इस्लामाबाद की तरफ रवाना हुए काफिले में शरीक कारकुनों का कहना था कि इंसाफ की सरबुलंदी के लिए अदालतों का गैर जानबदारा किरदार वक्त की अहम जरूरत है तफसी बता रहे हैं हमारा तवान इस्लाम के डी चौक की तरफ आने वाले काफिले मोटरवे के रास्ते वफाकी दारकूमत में दाखिल हुए रावलपिंडी और पंजाब भर से मुस्लिम लीग नून के कारकुन वालेहाना अंदाज में जुलूस की शिकल में जब पेशावर मोड़ पहुँचे तो उनका जोशो खरोश दीदनी था खैबर पख्तनख्वा से आने वाले काफिले की क्यादत मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तनख्वा के सदर और वजी के मुशीर इंजीनियर अमीर मकाम ने की आप जज बने और इंसाफ करे आदल दे दे सब के लिए एक जिस्सा दे रहे इस तरह नहीं कि एक, खेले, एक, खेले, एक खेले, के लिए एक कानून और दूसरे के लिए दूसरा कानून इस्लामाबाद पहुंचने वाले पीपल्स पार्टी के काफिलों की क्या खैबर पख्तनख्वा के सुबाई सदर मोहम्मद अली शाह बाचा ने की मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वो अपनी क्यादत की आवाज़ आरोप लब कहने आए है सुप्रीम कोर्ट में एक फितने की खातिर साठ अरब रुपए का नैप का केस है और उसमें एक मुलजिम को अदालत के अंदर एक जज वेलकम करता है तो उसके ख़िलाफ़ ना ये फैसला मानते हैं पहले माने और इन आइंदे के लिए भी नहीं मानेंगे रैली का आगाज सुबह सवेरे जमीत इस्लाम के पुरजोश कारकुनों के इस्लामाबाद आमद ऐसी शुरू हुआ जे यू आई के रहनुमा मुत बसों और सैकड़ों गाड़ियों के काफिले लेकर मोटरवे चौक पहुँचे तो मकामी क्यादत ने उनका वालेना इस्ते किया हम ये समझते है की सुप्रीम कोर्ट एक बवाकार इरा हम उसका एहतराम करते है वो हम किसी सास और किसी शहर के हवाले नहीं कर सकते इंसाफ करो जिस तरह दूसरे लोग हैं दूसरे रहनुमा है उसके सा, साथ जो सुलूक होता है उसी तरह जो है ना इमरान खान के साथ करो इसको लाडला न बनाए अवमी ताकत का इजहार जमहूरियत की बुनियादी शर्तों में से एक है सियासी जमातें इस बात पर मुतफ़ हैं की पुरमन रहकर भी आईनी जदोजहद की जा सकती है नमाद अमान पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज इस्लाम आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनर और मुतहदा अरब अमारा के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद का टेलीफोनिक रता हुआ है इस मौके पर दो तरफ़ा दिफाई तल्लू और फौजी ताउन आरोप तबादला ख्याल किया गया आर्मी चीफ और यू ए के सदर के दरमियान दो तरफा तरफ बढ़ाने पर भी इतफाक़ किया गया। निगरान वजी पंजाब महसिन नकवी ने डिस्ट्रिक्ट के हेडकोटर्स अस्पताल मियावाली में शरपसंदों के हमलों से ज़ख्मी होने वाले पुलिस के जवानों की, की उन्होंने पुलिस के ज़ख्मी जवानों के बुलंद हौसले को सराहा और ज़ख्मी पुलिस अहलकारों के इलाज मुआवजे के हवाले से अस्पताल इंतजामिया को ज़रूरी हदायत दी निगर वजी अला महसिन नकवी ने पी एफ बेस मियाँ और जुडिशल कम्पलेक्स का भी दौरा किया और शरपसंदों के हमले से होने वाले नुकसान का जायजा लिया इस मौके पर वज़ी अल को तफसी से आगाह किया गया बाद में मीडिया से गुफ्तू करते हुए निगरान वजीर ने कहा कि एयरबेस पर हमला करने वाले शरपसंदों के खिलाफ दहशत गर्दी के मुकदमे दर्ज किए गए हैं और इस हवाले से कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी मोहसिन नकवी ने एयरबेस पर आरोप दहशत गर्दों का हमला नाकाम बनाने पर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज के जवानों को खराज तहसीन पेश किया जिना हाउस और मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के दफ्तर को खोल दिया गया है जहां बड़ी तादाद में लोग पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए आ रहे हैं लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं नौ मई को पेश आने वाले अफसोसनाक वाकत पर पूरी कौम अफसरदा है लाहौर में शरपसंद ने जिना हाउस को मुकम्मल नजर आतिश कर दिया था जिसकी सूरत में यह तारीखी वरसा खंडर की सूरत पेश कर रहा है अवाम की जानब ऐसी पाक फौज से इजारा यकजहती और शहीदों को सलाम पेश करने के लिए जिना हाउस और मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस के दफ्तर को खोलने की दरख्वास्त की गयी थी जिना हाउस और मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस के दफ्तर को अवाम के लिए रोजाना सुबह ग्यारह ऐसी एक और दोपहर तीन ऐसी छह बजे तक खोला जाएगा जिना हाउस में आए लोगों का कहना था की ये मनाजिर देख कर दिल खून के आंसू रहा है सियासी मकासद हासिल करने के लिए कौमी वर्षे के साथ ये सलूक बर्दाश्त है ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए मुझे बहुत शर्म है अपनी अफवाज से भी और अपने कायद से भी कि हम लाहौर वाले इस इतने बड़े साने को एक बकूह पजीर होने से बचा नहीं सके कहीं पर भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ पर गमेंट की बिल्डिंग्स पे स्पेशली जिनका तारीखी एक मुकाम है वहाँ पर किसी किस्म का इस किस्म का हंगामा रही तोड़ फोड़ ये बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए आंसू नहीं दिल खून के आंसर हो रहे इसको देकर क्योंकि ये एक तारीखी है इसको हम करार दे सकते ये जीना का यही गुजारिश है बड़े बड़े और जो जो लोग इसमें मुलव है उनको गिरफ्तार किया जाए उनको सख्त अवाम का कहना था की शहीदों की माओ बहनों बेटियों और बेवाओं से पूछना चाहिए जिन्होंने अपना सब कुछ हमारे लिए कुर्बान कर दिया क्या हम अपने शहीदों को बदले में ये सब दे रहे हैं उन्होंने कहा की ये लोग सियासी नहीं शरपसंद थे सियासी लोग तहमल

अपने मुल्क के एसट्स के साथ ऐसा कर सकते हैं और वो भी अपने कौमी हीरो कायद अजम अली जना के घर के साथ ऐसा सलूक कर सकते हैं ये तो शायद दुश्मन भी ऐसा ना करे। पाक फौज से इजार यकजहती के लिए जिना हाउस और मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के दफ्तर में खावतिन और बच्चों समेत बड़ी तादाद में लोगों के आने का सिलसिला जारी है आवाम की जानब से व्हाइट बोर्ड पर मुल्क की सलामती और शहदा को सलाम पेश करने के लिए पैगाम भी दर्ज किए जा रहे हैं जिना हाउस और दीगर इमलाक को नुकसान पहुँचाने वाले यकीन कानून के मुताबिक सजाए पाएंगे लेकिन बतौर पाकिस्तानी हमारा फर्ज है कि ऐसे शरपसंदनासर का हर महाज पर बैकाट करें ताकि ऐसे नाखुशगवर वाकत रोनमा ना हो सकें मौजमुद्दीन पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ लाहौर उधर रेडियो पाकिस्तान पिशा की इमारत को सिविल सोसाइटी की दरखास्त आरोप आवाम के लिए खोल दिया है पिशावर ऐसी दस मई को जब तहरीक इंसाफ के कारकुन पार्टी चेयरमैन की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज के लिए सूर्य पुल के मकाम आरोप जमा हुए तो पहले ऐसी तय शुदा मनसूबे के तहत रेडियो पाकिस्तान पिशावर के दफ्तर आरोप हमला आवर हो मुश्तिल मुजाहन मेन दरवाजा उखाड़ कर रेडियो की इमारत में और ये एहसास किए बगैर के रेडियो पाकिस्तान कौमी इदारा होने के साथ साथ एक तारीखी वर्से का अमीन भी है इसके मुख्तलिफ हिस्सों को आग लगा दी और रिकॉर्ड और अमलाको को नुकसान पहुँचाया पी टी आई कारों के इस गिनावने अमल ने हर मकतबा फिक्र की जानब ऐसी शदीद मजम्मत की गयी और इसे मुल्क दुश्मनी ऐसी ताबीर किया गया सिविल सोसाइटी की दरखास्त आरोप रेडियो पाकिस्तान पिशावर की इमारत को ताली इदारों के तलबा और आम अफराद के लिए कोल दिया गया ताकि उन्हें आगाह किया जा सके की कि किस तरह सियासी एहतजाज की आड़ में मुश्तिल और शरपसंद कार ने रेडियो पाकिस्तान पेशावर की इमारत को गिराव और जलाव में नुकसान पहुँचाया ऑडिटोरियम को आग लगा दिया उसमें तोड़ फोड़ की रिसेप्शन ब्लॉक को आग भी लगा दिया तोड़ोड़ कर दी फिर मेन गेट में मेन बिल्डिंग में आ गए और इधर भी उन लोगों ने लूट मार किया और तोड़ पोड़ की और बाद में इसको आग लगा दिया और ये चार मंजिला इमारत में पड़ा सामान खाकसर हो गया और बिल्डिंग को भी शदीद नुकसान पहुँचा स्कूलों के बच्चों ने इमारत के मुख्तलिफ जले हुए हिस्सों का दौरा किया बच्चों और उनके इस सरकारी और निजी अमला को पहुँचने वाले नुकसान आरोप अफसोस का इजहार किया और इस पर भरपूर एहत किया कोई भी अगर इशू है चाहे पोलिटिकल है, है तो किसी भी सरकारी जो भी इमारत है यानी की गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाना ये किसी भी चीज़ का जो है सोल्यूशन नहीं है सरकारी चीज़ हमारी अपनी चीज़ होती है उसको नुकसान पहुँचाना हमारा अपना नुकसान होता है यहाँ जो हालात देखे तो इससे ये लग रहा है कि ये कुछ दहशत गर्द आए थे क्योंकि यहाँ पर इन लोगों ने जो तोड़ पोड़ की है जो, हकुमती को जो नुकसान पहुँचाया वो सिर्फ दहशतगरी पहुँचा सकते हैं जिस तरह बिल्डिंग को नुकसान पहुंचाएंगी को, को पचहत्तर पहुंचा हमारी यादों को तलबा ने रेडियो पाकिस्तान की नशरियात की दोबारा बहाली पर पाक फौज का शुक्रिया अदा किया सिविल सोसाइटी की दरख्वा पर रेडियो पाकिस्तान पेशावर आवाम के लिए जुम्मे तक खुला रहेगा मुदसर खान पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पेशावर वजीर इतलात मरियम औरंगजेब ने कहा है कि पाकिस्तान अब महफूज हाथों में है, हमें तबाह हाल मई और इदारे अल -जजीरा को में किया। वफाकी वजी नशरियात मरियम औरंगजेब ने आलमी नशरियाती इदारे, अल जजीरा को अपने खूसव्यू में कहा की इमरान खान ने चार साल में मुल्क की साख दाव पर लगाई मुल्की तारीख के सबसे ज्यादा कर्ज लिए इमरान खान ने मैशियत के साथ जो खिलवाड़ किया उसकी मिसाल नहीं मिलती वट हैज हैपन टू द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री इन लास्ट फोर ईयर्स ड्यूरिंग मिस्टर खान टेन्यो इज अनप्रेसिडेंटेड ऑल्सो बिकॉज इन 2018 थाउजेंड एटीन वन वी वो आर इन गवर्नमेंट फॉर लास्ट वन ईयर वैन वी लेफ्ट द गवर्नमेंट द कंट्री वॉज ग्रोइंग एट सिक्स पॉइंट of gdp. there was a lowest historic inflation of 2.6% in the country. We, the debt which mr. khan, historic debt, historic in the last four years, we're dealing with that also. and uh, the imf program was rolled, rolled out, was completed in 2015. cpec was there, employment was there, development was there. so what mr. khan inherited, we did not inherit that. And what we inherited was the highest historic inflation, which was at 16%. We inherited a defaulting country at the verge of default, which we saved. Mr. Khan signed an agreement with IMF, violated it, all the agreement conditions violated, and when we came into power, the, the IMF program was suspended. वफाक वजीर इतलात नशरियात ने कहा की इमरान खान के खिलाफ एफ आई ए और नैब में मुख्तलि मुकदमा की तफ्तीश जारी है इमरान खान इन केसेज में जवाब देने के लिए तैयार नहीं Calling out people has installed. There was no political reaction to his arrest because if there was a political reaction to his arrest, then we could have seen the streets filled with people outside there. You know, there were different installation where he placed people, and then he was monitoring. He was the entire party leadership was monitoring that how many people have reached Jinnah House and Corps Commander House in Lahore, how many people have reached Metro Bridges, and then there was entire monitoring done. So, what do you expect by the government who has to save? the people the citizens has the, uh, the government who has to save the patients who they threw out of ambulances and the ambulances were attacked the schools were attacked the hospitals were attacked you know the the animal uh, market के हवाले से सवाल पर वफाकी वजीर ने कहा वक्त होंगे जब हम अपनी आईनी मुद्दत पूरी कर लेंगे आवदल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज इस्लाम आबाद

अफवाज पाकिस्तान के हक में नारे लगाए और अपनी गैर मशरूत हिमायत जारी रखने के आजम का अदा किया तफसर बता रहे हैं अब्दुल्ला शाह मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में सिक्योरिटी फोर्सेज से इजार यकजहती के लिए रैलियों का इक़ाद किया गया जिसमें हजारों की तादाद में शहरियों ने शिरकत की शुरा में सिविल सोसाइटी सियासी जमातों के कारकुनों समेत मुख्तलिफ शोबा हाय जिंदगी से ताल्लक रखने वाले अफराद शामिल थे जिन्होंने पाक फौज के खिलाफ इल्जाम तराशी को मुकम्मल तौर पर मुस्रद किया खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तफ अजला मरदान मानसेरा बडग्राम एपटाबाद और खैबर में निकाले जाने वाली रैलियों में पाक फौज और पाकिस्तान के हक में जबरदस्त नारे लगाए गए शुरका ने पी टी आई की जान के खिलाफ, इल्जाम तराशी और प्रापे ग प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर सिक्योरिटी अदारों के हक में नारे दर्ज थे बलोचिस्तान की तहसील सुई में निकाली गई रैली में सियासी और समाजी रहनुमा सिविल सोसाइटी समेत शहरीों की कसिर तादाद की। ने शिरकत की रैली के शुड़कान ने अफवाज पाकिस्तान व रियासी अदारों के शहदा और गाजियों को खराज तहसीन पेश किया संजावी में रियासी इदारों से इजहार यकजहती के लिए निकाले जाने वाली रैली मुख्तलिफ शाहराओं से होती हुई मेन चौक पर अख्ताम पजीर हुई शुरका का कहना था की अवाम पाक फौज के साथ खड़े हैं और शरपसंद टोले की तमाम रेशा दवानियों का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा सरगोदा में कौमी अमन कमेटी ब्राय बैन अलमजाहब हम आहंगी के जहराम पाक फौज और शहदा ऐसी इजहार यकजहती के लिए यूनिवर्सिटी रोड से रैली निकाली गई मुकर्रीन ने कहा कि यादगार शहदा और फौजी अदारों आरोप हमले अफसोसनाक हैं जिनकी जितनी मजम्मत की जाए कम है पाक फौज सरहदों का दिफा करती है तो हम अमन से सोते हैं लेकिन पाक फौज पर तनकीद अफसोसनाक अमर है अब्दुल्लाशाद पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज बलोचि ने नौम्मी करारदाद मंजूर कर ली मीर जहूर बुले ने कर क्रारदादा में पी टी आई कारों की हसास सरकारी और निजी अमलाक पर हमलों की शदीद मज़म्मत की गई है बहस में वजी दाखिला मीरसिया लांगू का कहना था कि रियासती इदारों पर हमलों में मुलविस अफरा सख्त सजा के मुस्तक हैं बी एन पी बेंगल के मीर अख्तर हुसैन लांगू ने कहा कि मीज़ान अदल में बराबरी लाजम है कानूनी तौर पर भारत के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में भारत ने श्रीनगर में जी ट्वेंटी अजलास से कबल छापामार कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी हैं के एम एस के मुताबिक नई दिल्ली के जेरे कंट्रोल तहकीकती इदारों एन आई एस आई ए और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने श्रीनगर पुलवामा शुपिया इस्लामाबाद कुलगाम जम्मू और पूंछ अजलास समेत कई मकाम पर छापे मारे एन आई ए के अहलकारों ने घरों में घुसकर शहरों के मोबाइल फ़ोन लैपटॉप और दीगर डिजिटल आला तोड़ डाले जबकि श्रीनगर और महलगा इलाकों में एक बार फिर पोस्टर चश्मा किया गया जिनमें लोगों पर जोर दिया गया मई को मुकमल हड़ताल करें आज दुनिया भर में खानदानों का आलमी दिन मनाया जा रहा है दूसरी जान मकबूजा जम्मू कश्मीर में बेशुमार मर्द खातन और बच्चे हक इरादियत का मुतालबा करने पर काबिज भारतीय फौजों के जुल्म का शिकार है के के एम एस एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कश्मीरियों को भारतीय फौजियों के हाथों बड़े पैमाने पर कतरों तस्पदरी और दीगर मजाम का सामना है भारतीय फौजियों ने उन्नीस सौ नब्बे के बाद गुजर तीन दिहाइयों के दौरान आठ हजार से ज्यादा कश्मीरियों को दौरान हिरासत लापता कर दिया रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि जबरी गुमशुदगियों के मुतासरा हजारों कश्मीरी खानदान खानदानाशी तौर पर मुश्किल का शिकार हैं क्योंकि ज्यादातर में उनके खानदानों के कफीलों को निशाना बनाया गया पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में एक बयान में कहा कि मोदी हुकूमत मकूज़ा इलाके में फिरका वाराना नफरत भड़काने वाली फिल्मों के जरिए मुस्लिम कुछ तशद्द को फ़रूक दे रही है और इसकी हौसला अफजाई कर रही है मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी पामालियों ने हत्या शहरियों की गिरफ्तारियों और फौजी महासों के खिलाफ ज़िला बाग के इलाका मुख्यालय और अर्जा में मुख्तफ रैली का इनका किया कश्मीरी बच्चों ने आज़ादी और शहदाय कश्मीर के हक में पुरजोश नारेबाजी की कश्मीरी बच्चों ने कतबे और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर जी ट्वेंटी के रुकन ममालिक से मुनाज अजलासों के बाइकॉट की अपील की गई इस मौके पर मुकर्रेन का कहना था कि भारत गुजशत कई दहाइयों से मकबूजा कश्मीर पर काब्रज़ है जहाँ आवाम के सियासी समाजी और मजहबी हकूक को बुरी तरह पामाल किया जा रहा है एम के एम के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने इस्लामाबाद में एम के एम सेटेट कर दिया मीडिया तो से गुफ्तु करते हुए खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि अवाम अपनी तकदीर बदलने के लिए हुआ का इंतजार न करें उन्होंने कहा कि जागीरदाराना निज़ाम और जमहूरियत एक साथ नहीं चल सकते पैंतीस साल से तैयार होने वाला प्रोजेक्ट पिछले साल नाकाम हो गया खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि मौलाना फलमान की दावत पर शाहरा दस्तूर पर होने वाले एहतजा में शामिल हैं वजी रेलवे खारा खाना साफी की तस्करी नौ के हवाले से इजलास हुआ जिसमें लैंड मैनेजमेंट रूल्स की पेशर का जायजा लिया क्या इजलास में पी एस डी पी फंड के इस्तेमाल पर इजहार इतमान किया गया इजलास में ट्रेनों और रेलवे स्टेशन पर ब्रांडिंग से आमदनी बढ़ाने के लिए मुख्तफ ऑप्शन पर तबादला ख़्याल किया गया वफाकी वजी बरत सरदार एयाज सादिक ने मदीना मुनवरा में मुस्लिम लीग सऊदी अरब के अहदेदारों से मुलाकात की मुलाकात में मुल्की सूरत हाल और पाकिस्तानियों के मसाइल पर गुफगू की गई सरदार अयाज़ सादिक ने कहा कि तहरीक इंसाफ ने हालिया दिनों में जो इंतजार और फसाद बर्पा किया है इसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती हुकूमत जलाओ घिराव में मुलव अफराद के खिलाफ कार्रवाई को मंतक अंजाम तक पहुँचाएगी उन्होंने कहा कि हुत पाकिस्तानियों के मसाइल को हल करने के लिए काम कर रही है मारूफ अदबी शख्सियत उस्ताद और ड्रामा निकार शेब हाशमी पचासी बरस की उम्र में लाहौर में इंतकाल कर गए वजे अजम मोहम्मद शहबाज शरीफ और तलात मरीम औरंगजेब ने शेब हाशमी के इंतकाल पर रंज़म का और अफसोस का इजहार किया है उनकी ज़िंदगी और खिदमत के हवाले से रिपोर्ट कर रही हैं लाहौर से वर्दा सलीम मारूफ उस्ताद ड्रामा नवीस और अदाकार प्रोफेसर शुएब हाशमी मजानकार और माहिर इकतियात थे उन्होंने अपनी अदबी और कलमकारी से दो नस्लों को मुतासर किया वो काबिल कदर मजानेकार थे उन्होंने अंग्रेजी अखबार में टाल मटोल के उनवान से कालम भी लिखे वो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर और लाहौर स्कूल ऑफ इकनमिक्स में इकतियात के प्रोफेसर थे उन्होंने सत्तर की दिहाई में पाकिस्तान टेलीविजन में कॉमेडी शोज भी किए जिनमे अकड़ बक्ड़ गपशप और टाल शामिल है उन्नीस सौ पचानवे में उन्हें उनकी खदमत परफॉर्मेंस और, और तमगा इमतियाज़ से नवाजा गया अलहमरा हॉल लाहौर में बतौर सेक्रेटरी भी खदमात सर अंजाम देते रहे शोएब भाषमी कई सालों से फॉलेज के बाईस बिस्तरे अलालत पर थे ब्रेन हैमरेज की वजह से आज वो लाहौर में इंतकाल कर गए वर्दा सलीम पाकिस्तान टेलीवी न्यूज लाहौर पाकिस्तान ने जमहूरिया के साथ ग्रुप ट्वेंटी कर्जों की अदायगी के लिए सर्विस पर दस्तखत एक करोड़ निन्यावे लाख ग्यारह हजार डॉलर की रकम अब छह साल की मुद्दत सालाना एक साथ में अदा की जाएगी वजीर अलाद मुराद रिशा ने कहा की जिस शख्स को आईनी तरीके से हटाया गया आज उसने मुल्क को बहरानों से दो चार कर दिया है जानेंगे जावेद की रिपोर्ट में एंडोस्कोपी सिविलोपी एंड्रोलियाल वजीर आला सिंह सैयद मुराद अली शाह ने कहा की कि वो किसी सियासी जमात आरोप पाबंदी लगाने के हक में नहीं है पुरमन एहत हर किसी का हक है लेकिन किसी को भी पुरतद एहतजाज की इजाजत नहीं दी जाएगी जो पोलिटिकल जो जुडिशियल शुरू हुई है वो आप सब देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट बट गई आपस में इमरान खान को एक रात भी जेल में इसलिए नहीं रखने दिया गया कि कुछ शर्पसंद ने जिला हाउस को जलाया हुकूमत हुकूमत सिंध पाकिस्तान इस वक्त बिल्कुल मुतहद है इस बात पे हम सारे इदारे और मैं उम्मीद करूंगा कि जुडिशरी भी होगी कि, कि मुल्क में कोई भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना क्रिएट हो इससे कबल सैयद मुराद अली शाह ने

इस मौके आरोप वजीर से डॉक्टर अजरा पेचेहो ने कहा की लोगो को बेहतर तिबी सहूलियात देने के लिए कोशा है इस इंस्टीट्यूट में बैन अल्कामी तर्ज आरोप इलाज मुहैया किया जाएगा और इस मौके आरोप इंस्टीट्यूट का बायदा इफ्तः भी किया गया सबा जावेद पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज कराची खबरनामे में वेदर अपडेट के साथ मैं हूं अब्दुल कदीर नासी महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म रहने के अलावा गर्द आलू हवाएं चलने का इम्कान है ताहम जनूबी पंजाब मशरक़ी बलोचिस्तान बालाई खैबर पख्तूनख्वा गलत बल्तिस्तान कश्मीर और इससे मुलहिक इलाकों में चंद मकाम पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इमकान है और अब बात करेंगे आज रिकॉर्ड किए गए ज्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की तो सबसे पहले शहीद वजीराबाद की बात करेंगे जहां पे ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया मोहनजोदाड़ो 45 दादू छियालीस जैकवाबाद और खैरपुर में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया और अब आखिर में चंद बड़े शहरों के दर्जा हरारत सबसे पहले इस्लामाबाद की बात करेंगे इस्लामाबाद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत सैंतीस डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया लाहौर चालीस कराची पैंतीस पिशावर सैंतीस जबकि कोयटा में चौबीस डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया ये थी मौसम की ताजा तरीन सूरत हाल